money vehicles. विद्यानगर के गांव में तरुण और विजय नाम के दो धनवान लोग रहते थे। उन दोनों को बीच में बिल्कुल जमता नहीं था। एक दिन दोनों क्लब में गए। क्लब में तरुण और विजय उनके दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर दारू पी रहे थे। तब तरुण से प्रवीण, अरे तरुण, तुम्हारा नया कार बहुत अच्छा है यार, कितना खर्चा किया है? कितना खर्चा हो गया यार, 2 करोड़ हुआ है, फॉरेन से मंगवाया है, उसका टैक्स भी 2 करोड़ भरा है। उतना ही नहीं, बहुत जल्दी ही मेरे पास जो भी व्हीकल्स है उनको गोल्डन व्हीकल्स में बदलने वाला हूँ। वो होने के बाद देखो, हमारे देश में रहने वाले धनवान लोग मुझे देखकर जलना है। मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, तुमने अगर सोच लिया तो कौन सा भी हो तुम्हारे सामने सर झुकाना है। वो सब बातें सुनकर विजय, अरे ओ प्रवीण, बंद करो यार तुम्हारे फालतू की बातें। यहाँ अपना अपना रेंज खुद का रहता है, टाइम आएगा तो सब लोग दिखा सकते हैं। देखा, ये तो जलकर बात कर रहा है, ये तो नहीं कर सकता है, लेकिन बगल वाले को देखकर जलता रहता है। अरे हर चीज में एक टेस्ट या हिम्मत होना चाहिए, नहीं तो मुंह बंद करके बैठना चाहिए। क्या है तुम्हारे फालतू व्हीकल्स के लिए इतना बिल्डअप दे रहे हो? देख लो, तुम्हारे गोल्डन व्हीकल्स बनने से पहले तुम्हारे दादाजी के जैसे व्हीकल्स को तैयार करके लोगों से शाबाश नहीं कहवाया तो मेरा नाम भी विजय नहीं है, कहकर वहाँ से गुस्से से चला गया। अगले दिन एक कंपनी से सुमित कहकर एक इंजीनियर को घर बुलाकर, देखो सुमित, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है, वो तरुण साले कुछ गोल्डन व्हीकल्स को तैयार करवा रहा है, उनके मुंह पे मारे जैसे मेरे रेंज मुझे दिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों को मेरे बारे में ही बात करना चाहिए। ठीक है सर, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, पूरा सेट करता हूँ, कहकर चला गया। उसके बाद सुमित कुछ वर्कर्स के साथ विजय के पास व्हीकल्स को मनी व्हीकल्स जैसा डिजाइन किया। एक दिन उधर आकर विजय उनको देखकर सुमित का बहुत प्रशंसा किया। बाद में उन व्हीकल्स को लेकर तरुण के पास आया। क्यों रे तरुण, बहुत बिल्डअप दिया था तुम्हारे पास सोने का व्हीकल्स है कहकर, अब देखो मेरा मनी व्हीकल्स को पूरा ओरिजिनल पैसों से बनवाया, गांव में सब लोग मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, अब क्या कहते हो? अरे तुम कितने पैसों से तैयार करवाने से भी मेरा गोल्डन व्हीकल्स इतना तेजी से तो नहीं जाएंगे तुम्हारा ये डब्बा मनी व्हीकल्स, इसलिए ज्यादा दिखावट छोड़कर घर जाकर सो जाओ बेटा। क्यों रे डोंगरे, डब्बा कार्स को लाकर मनी व्हीकल्स जैसा तैयार किया है सोच रहे हो क्या? एक बार चढ़कर एक्सीलेटर को दबाया तो रॉकेट से भी तेजी से जाते है, क्या सोच रहे हो? ऐसा है क्या? फिर तो तुम्हारा ओवर कॉन्फ्रेंस का और मेरा कॉन्फ्रेंस के बीच एक छोटा सा मुकाबला हो जाए, तुम्हारे मनी व्हीकल्स और मेरा गोल्डन व्हीकल्स के बीच में प्रतियोगिता रखेंगे, कौन जीतेगा वे दूसरों का व्हीकल्स को लेना है, तुम तैयार हो क्या? तुमसे मुकाबला के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ रे, कल ही हमारा प्रतियोगिता है, तैयार रहो, कहकर चला गया। अगले दिन लोगों के सामने मनी व्हीकल्स का और गोल्डन व्हीकल्स के बीच प्रतियोगिता शुरू हुआ। अब सब व्हीकल्स बहुत तेजी से जा रहे थे, वो देखकर लोग तालियां बजाने लगे। ऐसे बहुत देर तक रेस होने के बाद दोनों का व्हीकल्स बराबर जीत गए। अब तरुण के पास आकर विजय, अरे तुम्हारे तो फॉरेन व्हीकल्स है, फिर भी तुम्हारे व्हीकल्स के साथ बराबर मेरा व्हीकल्स मुकाबला किए, इसलिए मैं ही जीता, शिष्टापूर्वक तुम्हारा व्हीकल्स मुझे दे दो। मुंह बंद करो रे, तुम्हारा नाटकबाजी मुझसे मत करो, तुम्हारा गाड़ियों से तो मेरा गाड़िया 5 महीने पुराने हैं, इसलिए मैं ही जीता, शिष्टापूर्वक तुम्हारे गाड़ियां मुझे दे दो, कहकर दोनों झगड़ा कर रहे थे। तब एक आदमी उधर आकर, अरे आप झगड़ा मत कीजिए ब्रदर, आप में से कौन धनवान है ये हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर वाले तय करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए, कहकर उनका आदमियों से उन व्हीकल्स को सीज करवाया। अब विजय से तरुण,
अरे ओ दरिंदर कही का, देखा तुम्हारा ज्यादा दिखावट से कितना मुश्किल आया है हमको। मैंने गोल्डन व्हीकल्स तैयार करवाया है कहकर तुम बहुत जल गया और मनी व्हीकल्स को तैयार किया। अब देखो कोर्ट के पीछे कितना महीना घूमना पड़ेगा हमको, बेवकूफ कही का। तब विजय और तरुण दोनों बहुत लड़ाई करने लगे, वो देखकर लोग हंसकर उधर से चले गए। इजेक्ट स्पिनर पटाका। दुर्गापुर में सोनू नायक ने अपनी पत्नी चमेली को बुलाया। अरे चमेली, सुना है कि बेटी और दामाद दिवाली मनाने के लिए अपने घर आ रहे हैं। ये उनका पहला त्योहार है ना, एकदम बढ़िया तैयारी करनी चाहिए। अरे वाह, बेटी घर आ रही है तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे। अरे दामाद के आने की खुशी में बस बहुत पैसा खर्च ना करो, अपने पैरों को जमीन पर रखो और दिमाग से काम लो। अगर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है तो अपनी बेटी के लिए सोना खरीद कर दो, पर अपने शौक पूरे करने के लिए बेकार के खर्च ना करो। मैं सब जानता हूँ, तुम जाकर मिठाइयाँ बनाओ, कम से कम 100 किस्म की मिठाइयाँ बनाओ, बस उन्हें देखते ही दामाद जी का पेट भर जाना चाहिए। इतने किस्म की मिठाइयाँ मैं नहीं बना सकती, तुम हलवाई की दुकान में जाओ और वहाँ से खरीद कर लाओ। ठीक है मैं खरीद कर लाऊंगा, कहकर बाजार गया। फिर मिठाइयाँ, पटाखे, कपड़े सब खरीद कर ऑटो ट्रक में भर कर लेके आया। ये सब देखकर चमेली, अरे ये क्या, इतना सारा क्यों खरीद कर लाए तुम? अरे सोनू नायक का दामाद घर पर पहली बार त्योहार मनाने आ रहा है तो इंतजाम कैसा होना चाहिए? एकदम बमबाट, सारा गांव आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा, इसीलिए इतने सारे किस्म के मिठाइयाँ और इतने सारे पटाखे लाया हूँ। अब पता नहीं है ना कि दामाद जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, वैसे ये बीमारी तुम्हारी खानदानी है, यूँ दिखावा करने का बहुत शौक रहता है तुम लोगों को, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। क्यों, मेरे खानदान को क्या हुआ, हम जो कुछ करते हैं गांव को हिला कर रख देते हैं बस। वैसे जब हमारी शादी हुई थी और मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या खरीद के दिया है? बताओ खरीदा क्या, बस हाथ में एक फूलझड़ी दे दी और जला कर कहता है यूं घुमाओ। ऐसे 2 फूलझड़ियां जला कर उन्होंने कह दिया बस हैप्पी दिवाली। तुम जानती हो उस दिन मुझे कितना दुख पहुंचा। तुम्हारे घर वालों को दामाद की कदर ही नहीं है, है? अब तुम देखती जाओ ये ऑटो भर के जो पटाखे हैं मैं अपने दामाद से कैसे चलवाता हूँ। अगले दिवाली तक गांव वालों में यही चर्चा होगी। वैसे तुम मेरे दामाद के बारे में समझते क्या हो, वो अंतरिक्ष में काम करता है, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाला साइंटिस्ट का काम करते हैं वो। ऐसे दामाद को किस तरह के पटाखे देने चाहिए बताओ, कितने किस्म के पटाखे चलाएंगे वो। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि दामाद को कैसे सरप्राइज करूँ, और एक तुम हो कि हर बात पर टोक रही हो। ऐसे पैसे खर्च करने के मामले में तुम और तुम्हारे परिवार वाले कंजूस हैं, सब तुम्हारी तरह कंजूस यूनियन के प्रेसिडेंट तो होंगे नहीं। जाओ जाओ जाकर अपना काम करो। देखो जी, तुम अपने काम से काम रखो, दोबारा मेरे मायके के बारे में कुछ ना कहो वरना ठीक नहीं होगा, कह देती हूँ। हाँ अच्छा, अरे शुरू किसने किया था, तुम्ही ने ना, चलो अब जाओ जाओ जाकर इसे टेबल पर सजाओ। चमेली अंदर चली गई, तभी बेटी और दामाद कार में वहां पहुंचे। दामाद को घर के अंदर ले जाते हुए सोनू नायक, आइए दामाद जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना, आराम से उतरिए। सेहत कैसी है, आपके माँ बाप कैसे हैं, नौकरी सब ठीक है ना? सुना है कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सुना है कि हाल ही में आपने एक रॉकेट मंगल ग्रह तक पहुंचाया है, आप वाकई महान हैं दामाद जी। अरे पिताजी, ये क्या दामाद की रट लगाए बैठे हो, आपकी बेटी भी यही खड़ी है पिताजी, आप मुझसे मेरा हाल नहीं पूछोगे? ये उन्हें जब पता चला कि दामाद जी घर आ रहे हैं, तो उनके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। अरे जरा वहाँ देखो, तुम्हारे पिताजी ने पटाखों का ढेर लगा दिया है, कहते हैं सब दामाद जी को ही जलाना होगा। पिताजी वो पटाखे नहीं जलाते, उनका कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, वो तो घर में ही माचिस की तिल्ली जलाने नहीं देता। ये क्या बेटे, तुम तो मेरी खुशियों में पानी फेर रही हो, मैंने तो सोचा था कि दामाद जी और मैं मिलकर दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। दामाद जी मेरे लिए अपने सिद्धांतों को एक बार अलग रखिए और मेरे साथ पटाखे जलाइए प्लीज दामाद जी, वरना गांव में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। कहकर दामाद के हाथ जोड़े तो दामाद अरविंद स्वामी, ठीक है बाबूजी, पर
एक ही पटाखा जलाऊंगा बस, लेकिन वो पटाखा मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए बस, नहीं तो मैं नहीं जलाऊंगा। क्योंकि आप इतना जोर डाल रहे हो इसीलिए मैं मान रहा हूँ। बस काफी है दामाजी, आपने जुबान दी है काफी है, आप अंदर जाइए आराम कीजिए, आप जाकर खाना खाइए, मैं आपके लिए बढ़िया पटाखा तैयार करता हूँ। कहकर बड़े मेहनत से एक फिजिक स्पिनर पटाखा तैयार किया। जब अरविंद स्वामी ने बाहर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। उन्हें देखकर अरविंद स्वामी, बाबूजी ये तो फिजेट लगता है, ये सब लोग कौन हैं? जेट जैसा नहीं दामाजी, ये फिजेट ही है, एक बार मैंने आपको फिजेट खेलते हुए देखा था, इसीलिए ये सोचकर कि आपको फिजेट पसंद होगा मैंने एक बड़ा सा फिजेट तैयार किया और उसके एक सिरे पर मैंने फूलझड़ियां और दूसरे सिरे पर मैंने जमीन चक्कर, विष्णु चक्कर और अलग अलग किस्म के पटाखे मैंने बांध दिए। बस इसे देखने के लिए सारा गांव यहां पर जमा हो गया। बस आप एक बार जला दो, गांव वाले देखकर सब खुश होंगे। ठीक है बाबूजी, आप इसे जमीन पर रखिए, मैं जलाता हूँ। इसे जमीन पर नहीं बेटा, मैं अपने हाथ में पकड़कर खड़ा रहता हूँ, ये मेरा क्रिएशन है, नीचे रखा तो गांव वालों को दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं इसे पकड़कर खड़ा रहता हूँ, आप जलाओ। कहकर फिजेट स्पिनर पटाखे को दोनों हाथ से पकड़कर खड़ा रहा। दामाद ने पटाखा जलाया, बस वो पटाखा ग्रर करके घूमने लगा और सोनू नायक को हवा में उठाकर ले गया। सब गांव वालों ने ताली बजाई। यूं काफी ऊपर उठने के बाद सोनू नायक जमीन पर धड़ाम से गिरा। सारा गांव हंसने लगा।